ये भवन निर्माण के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। ये छिपरा के अंदर जा रही है नर्मदा नदी के। अब नर्मदा नदी के बाद हम इसमें मिलाएंगे गोदावरी की मिट्टी। गोदावरी नदी की मिट्टी है। ये है गोदावरी की मिट्टी। नंबर था ना मैं देखिए। चलो मैं बोलता हूँ, तीनों का कलर अलग अलग है। तीनों अलग अलग कलर में है। गोदावरी की मिट्टी का कलर हल्का सा मेहरून कलर है। देखिए आप, तीनों मिट्टियों का कलर अलग अलग है। अब इसमें जाएगी गंगा नदी की मिट्टी। गंगा नदी की मिट्टी सबसे पवित्र मिट्टी मानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से हुआ है और गंगा सागर तक 1380 किलोमीटर लंबी नदी है। ये देखिए, ये बिल्कुल काली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। देखिए बिल्कुल काली मिट्टी। अब इसके बाद कावेरी मिट्टी, कावेरी नदी की मिट्टी है। अभी कावेरी की है ना बेटा। ये हल्का सा इसमें ब्राउन और काले कलर का मिश्रण है, वो लाल कलर की मिट्टी है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी की बिल्कुल प्योर रेड कलर की मिट्टी है। देखिए बिल्कुल लाल कलर की मिट्टी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी है। देखो बच्चा भी कह रहा है कि बिल्कुल मिर्ची कलर की मिट्टी है। बच्चा कहाँ है? बगल में बैठा हुआ हमारे। ये बच्चा है? शैतान बच्चा है। आसन पे बैठा है, स्वामी जी है। अब आप देखिए कलक से। अब आप देखिए इसका मिश्रण जब बनेगा तो उसका कलर देखिए आप। इसमें सभी प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण बना है और ये सभी मिट्टी मिला चुकी है। अपन 7 मिट्टियों की मिट्टी इसमें मिला गई है, कोई नहीं रह गई है। हाँ अभी यमुना रह गई है। कट कट कर लेंगे अपन इसको, आगे ले लेंगे उसको, कट कर लेंगे। ये यमुना नदी की मिट्टी है जो दिल्ली से निकली हुई है। ये हमारी राजधानी की मिट्टी है। ये है आपकी यमुना नदी की मिट्टी। इसमें पूरी पंजाब की प्रांत की मिट्टी है। ये देखिए आप, ये मिश्रण बनके तैयार हुआ है। इसमें 7 नदियों का मिट्टी का समागम है। ये मिश्रण आपको राम मंदिर निर्माण में भी यूज हुआ है, वहाँ पर भी इसका यूज किया गया है। ये अपन का आज इस मिट्टी से हवन किया जाएगा। हवन बस मिट्टी है।